अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आज आपकी यूट्यूबर को कितना मुश्किल हो गया है कपड़े धोना। सुबह की मशीन लगाई हुई है 10 बजे की और 5 बज गए हैं, तो अभी तक कपड़े धोने में इतनी मुश्किल हो रही है कि ये देखिए अभी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। लाइट वालों ने इतना तंग किया हुआ था, अभी तक लाइट आई है और मैं शुरू हो गई हूँ। तो अब देखिए कितना टाइम लगता है और मैं क्या कैसे कैसे कपड़े धो रही हूँ आज इतनी मुश्किलों से। और इधर धूप भी है तो मैंने दूसरी साइड पे जाकर मशीन का सिस्टम शुरू कर दिया। मशीन इधर लगाई हुई है, वाश उधर कर रही हूँ। तो पहला परागा मैंने डाल दिया, सर्फ डाली है, साबुन डाला है, तो पानी डाला है और मशीन लगा दी है। नाजरीन, आज कपड़े भी मुश्किल हो गए धोना लाइट की वजह से और कुछ हाथों से धोने पड़े और दो काम शुरू हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करूं कि कभी कभी ऐसा भी मुश्किल काम करना पड़ता है, मुश्किल आ जाती है कभी कभी। सुबह 10 बजे की मशीन लगाई हुई है, अभी से 5 बज चुके हैं, तो अभी लाइट आई है और अभी से मैंने शुरू की है। तो अब साथ साथ मशीन भी लगाई हुई, उस साइड पे धूप थी तो मैं इस साइड पे ले आई हूँ और साथ में ये यहाँ पे मैं बैठ के कपड़े धो रही हूँ। और बड़ा अच्छा मौसम भी आई इधर, ठंडा ठंडा, और जगह भी बड़ी प्यारी थी। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि इधर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, वो चली गई है बच्चे ले के। वो क्या उसको लाली कहते हैं, लाली वाली जो जानवर, वो चली गई अपने बच्चे लेके। और ये आज मैं उतारने लगी हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या चले इधर कपड़े भी धोती हूँ, साथ साथ ये भी दोनों काम खत्म कर लेती हूँ। गलत होती है, फाला भी नहीं आते आज। फाला का इंतज़ार मैंने सुबह कर किया है, वो भी नहीं आई। अच्छा ही हुआ नहीं आई, क्योंकि मेरे हाला जी जो है वो लाइट की वजह से उन्होंने भी बैठना ही था मेरे साथ, आज वो भी नहीं आए। अच्छा ही हो गया नहीं आए, तो आज हाला जी भी नहीं ना आए, इसलिए वो भी ना ही आते। तो फिर भी उन्होंने भी बैठना ही था 4-5 बजे तक, इनको वैसे फारक बैठना था। हाला जी माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाले हैं, उनको वो होते ना तो उन्होंने मेरे साथ अभी से कपड़े ख़त्म कर देने थे, धोने शुरू कर देने थे, धो के ख़त्म भी हो जाने थे इतनी देर में। लो जी मैंने क्या कर लिया, इसका कलर उतरा है, कभी नहीं किसी का भी उतरा इसका आज उतर। कुछ कपड़े होते हैं जिनकी मुश्किल होती है। ये देखिए आज मैंने कितने काम शुरू किए हुए हैं। एक बर्तन वो लिया हुआ है, स्टोपी साथ में, टप साथ में, ये पिंगाड़ी दाबड़ा, इतने बर्तन मैंने शुरू किए हुए हैं। ऐसे तो मैं 4 ही लगाए हुए हैं। आज बड़ा मुश्किल है काम, कुछ ना पूछे आज सर को भी दर्द है, साथ साथ सर दर्द भी लगी हुई है, टेंशन कपड़ों की ली हुई है और साथ में सर दर्द लगी हुई है। लगाई हुई है ये, तो ये मेरा नया सूट था तो मैंने इसको हाथों से धो रही हूँ। तो ये ना समझिएगा सारे हाथों से धोने वाले कपड़े, ये कुछ नए कपड़े हैं, दुपट्टे वगैरह जो होते हैं ना वो मैं मशीन में नहीं डालती, इसलिए यहाँ पे बैठ के धो रही हूँ। इसका कलर तो होता है, ये जो लोकल कपड़े होते हैं वैसे कलर होता है। तो 3 परागे रह गए मेरे कपड़े भी डूब गए हैं, 1 घंटा लेट रहती तो सारे काम खत्म हो गए। अभी मेरे अबू जी आए हुए हैं, मैंने उनके साथ आपकी मुलाकात ही नहीं करवाई, टाइम ही नहीं मिल रहा। और सुबह का लाइट ने इतना तंग किया हुआ है, पारा भी नहीं हुई। अब मैं कपड़े डाल दूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब रह गए 2 परागे कपड़ों के, और जो साथ में पहले वाले निकाले हुए हैं वो मैं वॉश कर लूँ। ये साबुन भी, मैं तो साबुन भी डालती हूँ, सर्फ भी डालती हूँ।
ये मैंने साथ में छुरी भी रखी हुई है साबुन काटने के लिए, सारे काम मैं करती हूँ। स्पिन करने लगी हूँ, मैं सबसे पहले अपने बेटे के धोती हूँ, उसके बाद मैं अपने धोती हूँ, फिर मैं बेटियों के दोबारा मशीन में पानी डाल के तो फिर दोबारा जो है वो चादरें वगैरह, सबसे पहले टॉवल, मैं यहाँ पे भी कपड़े डाल सकती हूँ, इधर जब ज़्यादा गर्मी हो तो इधर मैं डाल देती हूँ। माशाल्लाह शुक्र है आज थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म है और दुकानें वगैरह बाहर की हुई, इतना रश हुआ हुआ है। तो जो रह गए कपड़े वो भी मैं निकाल लाई हूँ, और दूसरे वाले पहले वाले जो मैंने स्पिनर में डाल दिए हैं, तो अब इनको वाश करके और उनको बाहर कार के ऊपर डालती हूँ, कुछ कार के फिर उनको प्रेस करूंगी, हैंगर लगाऊंगी, फिर फारग हो जाऊंगी। इसके बाद अभी मैंने दो काम करने हैं, अभी मैंने प्रेस भी होना है। कहते हैं कि वो जो दूसरा काम है ना, क्या उसको UPS, वो उस पर भी मशीन होनी चाहिए मशीन कपड़े धोने वास्ते ना, वो भी होनी चाहिए UPS से, क्योंकि सारे काम तो UPS कर लेता है, लेकिन मशीन और फ्रिज जो और मोटर है ये तीन काम नहीं होते। वैसे तुम्हारी बड़ी बैटरी है, वो कह रहे थे लगा लें, लेकिन मैंने कुछ ही नहीं लगाया। ये मेरे छोटू के कपड़े हैं, छोटू जो है ना वो आजकल उसका बड़ा दिल कर रहा है कि मैं मामा के साथ छोड़ दूँ, क्या मुझे कह रहा था कि मामा मैं ना आपके साथ कपड़े डलवाऊँ, थोड़ा उसने मेरे साथ शर्त लगाई हुई थी। जो छोटू वाला है उसने रात को मेरे साथ वो लगाया हुआ था, क्या उसको कहते हैं, चैलेंज लगाया हुआ था। पहले इनको सीधा करो, फिर उल्टा करो, फिर उल्टा दो, फिर सीधे करो, ये कोई हालत क्या कर है, ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे, मैं जैसे कपड़े धोती हूँ ना तो मुझे बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले बेटे के कपड़े धोने होते हैं, उसके बाद अपने फिर बेटों के, ये बड़े वाले के हैं, इनको प्रेस करें फिर काम खत्म हो जाएगा। हम जोड़ जाने ये मेरी वाइट चादर, तो माशाल्लाह जी काम भी ख़त्म हो गया और फर्श भी धुल गया, कपड़े भी धुल गए, खिला भी दिए मैंने, सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसके बाद फ्रेश होती हूँ, फिर गुजर फूड के लिए ड्रेस भी बनाती हूँ,
और साथ में नीचे मेरे भतीजियाँ भतीजे आए हुए हैं उनके लिए खाना बनाते हैं। अब्बा जी आए हुए हैं, उनके पास बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। वो प्यारे नाज़रीन, सुबह से शाम हो गई और मैं भी फारग हो गई, लाइटें भी चल गई हैं। ये देखे माशाल्लाह, 10 बजे के कपड़े शुरू किए हुए शाम के तकरीबन मुझे लगता है 7 बज गए, 6 बज गए हैं। तो सोचिए आप के इतने तो कपड़े भी नहीं थे जितना टाइम लग गया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने से कपड़े थे। तो ये देखे माशाल्लाह, इतने कपड़े नहीं थे जितने के मुझे टाइम लगा धोने में। कपड़े मैंने सारे धो लिए और इतने कपड़े नहीं थे। लाइट की वजह से इतना टाइम मुझे लगा है कि ना लाइट होने की वजह से सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई तकरीबन 3 बजे आई है। 3 बजे मैंने शुरू किया है और फिर ये देखिए टाइम भी आता है। तो मैं क्या कह रही थी, तो माशाल्लाह कपड़े सूख भी गए हैं और साथ में मैं इनको अब उतार लेती हूँ, इनको अंदर रखती हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह इनको फिर प्रेस करूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, आज मुझे इतनी मुश्किल हुई कि मैंने इसलिए वीडियो बना दी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि क्या करूँ, आज कपड़े धोऊँ या लाइट को देखूँ या क्या करूँ। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंजॉय कीजिएगा आज, देखिएगा कैसे मैंने कपड़े धोए इतनी मुश्किलों से। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी आने वाली वीडियो, ताकि आपके लिए आप तक रोज़ाना की रोज़ाना पहुँचे। घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलें। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।